बाबा जी का यह उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश, बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ। गुरुदेव मेरे प्यारे गुरुदाता रमंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार मैं हर कर देखो जरा। देखो महापुरुष हमेशा इस धरती पर रहे, तो कार्य शक्तियों के रूप में रहे हों, चाहे ऋषि मुनि के रूप में रहे हों, चाहे संतों के रूप में रहे हों, यह धरती संतों से कभी खाली नहीं रही। गिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार, संसार खत्म हो गया होता अगर न होते तो। हमेशा रहते हैं, कभी गुप्त रूप में रहते हैं, जब अत्याचार पापाचार कम रहता है तो एक जगह बैठकर संभाल करते हैं, और जब ज्यादा हो जाता है तो घूम घूम करके लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। तो जब महापुरुष चले जाते हैं, मनुष्य शरीर में होने के कारण उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, तो उनकी कही हुई बातें या उनकी लिखी हुई बातों का लोग ग्रंथ बना लेते हैं, धार्मिक किताब बना लेते हैं, उसमें सारी चीजें लिखी हुई रहती हैं। लेकिन जब कोई जानकार मिलता है, उतनी जानकारी का मिलता है, तब वो समझाता है। जैसे 16 दर्जा पढ़ करके कोई किताब लिख है तो 16 दर्जा पढ़ कर आएगा तभी समझाएगा। जब 8 दर्जा 5 दर्जा 10 दर्जा पढ़ा हुआ जब उसको समझाने लगता है 16 दर्जा वाली किताब को, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आपको बतलाता हूँ कि अर्थ का मतलब क्या होता है। लोगों ने तो अर्थ लगा लिया, हाथ मिला है कमाओ खूब, चाहे मार के लाओ लूट के लाओ कैसे भी लाओ, हाथ से कमा के ले आओ अर्थ है। आप ये समझो अर्थ का मतलब, इस मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो कि यह तन कर फल विषय न भाई, विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला, खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। और अगर इसी में फंसे रह गए तो कहा यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, आखिरी वक्त में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। देखो सबकी मृत्यु एक जैसी नहीं होती है, कोई तो आराम से चला जाता है, किसी का देखो आँख ऐसे खुला रहता है, किसी का मुंह खुला रहता है, और किसी का देखो संडास और पेशाब तक हो जाता है। तो जिनके ऊपर मार पड़ती है यमराज के दूतों की, उनकी जो जीवात्माएं होती हैं वो उस रास्ते से निकाली जाती हैं नीचे से, और जो संत होते हैं आराम से निकल जाते हैं, जो साधक से होते हैं सुषमना फोड़ कर उनके प्राण निकलते हैं, आप समझो जो धार्मिक होते हैं उनके आँख से मुंह से कान से निकलते हैं, जो पापी को कर्मी होते हैं मार मार करके यमराज के दूत निकालते हैं। तो आप ये समझो कि उस समय पर अनिल जीव घबराता है, रोता है, चिल्लाता है जब उनको देखता है कि भयंकर रूप है उनका, लंबी टेढ़ी नाक है, बड़ा सा सिर, बड़े बड़े बाल, कुरूपी चेहरा जब देखता है तो घबरा जाता है। आवाज को जब सुनता है मरने वाला पापी कुकर्मी जीव, मालूम पड़ता है कि जैसे सैकड़ों पहाड़ एक साथ टूट रहे हों, हड्डी हड्डी उस वक्त पर चटकने लगती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता। तभी तो काका चाचा नाना मामा सबको पुकारता है मुसीबत में, कोई भी बचा ले, लेकिन कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। वही बच्चे, वही परिवार, वही रिश्तेदार, वही हित मित्र जिनके लिए मरता रहा, जिनके लिए पाप करता रहा शरीर से, वो सब खड़े रहते हैं, जाति बिरादरी समाज के लोग सब खड़े रहते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता। मदद तो आदमी तब करता है कि जब सजा वाले को देखता है तब मदद करता है। कोई अभी आपके ऊपर हमला कर दे, कोई मारने के लिए आवे, तो आप सब उठोगे उसको रोकोगे, लेकिन जब देख ही नहीं पाओगे कौन मार रहा है
तो वो जो मारते हैं यमराज के दूत होते हैं, लिंग शरीर में होते हैं, उनको इस पंच भौतिक अनि शरीर के चर्म चक्षुओं से आप नहीं देख सकते हो, तो क्या मदद कोई करोगे किसी का। तो वो मार करके कूट करके निकालते हैं और पिशाच के शरीर में बंद करके ले जाते हैं, कहाँ पेश करते हैं, यमराज के सामने। उसके पास पूरा हिसाब होता है, सारा लेखा जोखा होता है बचपन से लेकर के और आखिरी वक्त तक जो भी कर्म होते हैं उसके पास सब लिखे हुए होते हैं। ये लोगों का भूल और भ्रम है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको कोई देख नहीं रहा है, आंख बचा करके कहते कर लो, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हो उसको वो देख रहा है जिसको नहीं देख पा रहे हो आप। वो आपका किया कराया अच्छा बुरा सब देख रहा है, तो नोट होता रहता है, बस उसी के आधार पर सजा बोल देते हैं। और बड़े बड़े बही खाता, ये कंप्यूटर तो फेल हो सकता है, स्याही खत्म हो सकती है, पेन खराब हो सकता है, कागज सड़ सकता है, लेकिन उसका नहीं सड़ता है, और सुनहले पन्ने जैसे कागज होते हैं एकदम मोटे, और कोई भी लिखावट इधर से लिख दो तो उस तरफ नहीं दिखाई पड़ती, पतला कागज जो होता है और देखने में मोटा होता है लेकिन रहता है पतला, इतना दबा हुआ रहता है। अब उसमें सारी लेखनी लिखी रहती है जो भी होता है, बस उसको पलटते हैं, कौन चित्रगुप्त, चित्रगुप्त की छाया पड़ती है कहाँ पर, गुदा चक्र पर। चक्रों का भेदन जिन लोगों ने किया होगा आपको मालूम होगा, आपने तो कोई किया नहीं होगा, लेकिन जो करते हैं चक्रों का भेदन उन पर दिखाई पड़ते हैं, उनकी परछाई पड़ती है। जो आप समझो चार दल कमल है जिस पर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का स्थान बताया गया, उसमें जो उत्तर की तरफ पंखुड़ी है कमल की, उस पर उनकी छाया पड़ती है, तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है और उसी को देख के फौरन बता देते हैं यमराज को, यमराज तुरंत सजा बोल देता है। और सजा बोला नहीं कि मार पड़ना शुरू हो जाता है, सौ सौ कोस तक चिल्लाने की आवाज़ आती है जब मार पड़ती है, लेकिन कोई बचाने वाला वहाँ नहीं होता है, कोई शोर सिफारिश वहाँ लगाने वाला मिलता ही नहीं, कोई उस कचहरी का वकील है ही नहीं कि जो बहस करके आपको छुड़ा ले, वहाँ तो ऑर्डर इज ऑर्डर होता है, बस जो हुक्म हो गया बस लागू हो जाता है। तो बड़ी मार पड़ती है, बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा कि 42 प्रकार के नर्क हैं और उन नर्कों में रहना पड़ता है, कौन कौन से नर्क हैं, किस किस तरह से सजा दी जाती है और कौन सा कर्म आदमी करता है तो उसको कौन से नर्क में डाला जाता है। जैसे यहाँ की धाराएँ बनी हुई हैं कि 302 धारा का करेगा अंतर्गत उसको फांसी की सजा होगी, जो तमाम धाराएं बनी हुई ऐसे वहाँ भी है कि ये काम करेगा उसको इस नर्क में इतने दिन रहना पड़ेगा, ये करेगा 42 प्रकार के नर्क हैं उसमें बहुत दिन रहना पड़ता है। चार युग है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, इन ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मन्वंतर होता है, 14 मन्वंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है, एक एक कल्प तक एक एक नरकों में रहना पड़ता है। अब आप सोचो उसके बाद अब भी छुटकारा नहीं मिला, फिर 84 में आना पड़ता है। 84 किसको कहते हैं, ये कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा दिन भर में 10 बार मरो, 10 बार पैदा हो, ये पतंगे होते हैं बरसात में कीड़े ऐसे उड़ते दिखाई पड़ते हैं, बस पैदा हुए तुरंत गिरे मर गए, तो 84 लाख योनियों में 84 लाख बार तो पैदा होना पड़ता है और मरना पड़ता है। ये 84 लाख योनियों में, यानी यह भी है मनुष्य शरीर, गाय और बैल की उनके बाद योनि मिलती है, मनुष्य शरीर मिलता है 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद, तो यह एक अनमोल चीज मिल गई आपको, बार बार मिलने वाला नहीं, मनुष्य तन ये बार बार मिलने वाला नहीं है, आप समझो कि बड़े भाग्य से ये मिला है। तो ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला इसका मतलब समझो, अर्थ का मतलब ये होता है इसका अर्थ समझो, और धर्म क्या है, दया धर्म बहुत बड़ा धर्म बताया गया, तो जीवों पर तो दया करना ही चाहिए और करना ही है, लेकिन आत्मा पर दया करो, ये नरकों में न चली जाए, जीवात्मा जो बैठी हुई है यहाँ दोनों आँखों के बीच में, ये नरकों में न चली जाए, इस पर दया करो। असला काम यह है, अर्थ धर्म काम, असला काम यह है कि इसको मुक्ति मोक्ष दिला दो। शमशान घाट पर आप जाओ तो देखो वहाँ लिखा हुआ रहता है
मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए तो वापस लाता है, चाहे दो दिन लग जाए लेकिन जला करके ही आता है, जहाँ से वो वापस ना आना हो। तो ये जीवात्मा को मुक्ति तब होगी जब ये सतलोक पहुँचेगी। इसका घर कहाँ है? सतलोक में है। ये वहाँ से उतारी गई, और जब से उतारी गई तब से कुछ को छोड़ के अभी तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाई। तो अपने जीवन का लक्ष्य आप ये बनाओ कि हम इस जीवात्मा को उस परमात्मा तक पहुँचा दें। अब ये देवी और देवता अन्य एक हैं, बहुत हैं। जब बनाए गए थे 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट के साथ बनाए गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता प्रमुख हैं, यही सब यहाँ चलाते हैं। इनके पिता जिनको ईश्वर कहा गया, जिनको काल भगवान भी कहा गया, वही इसके मालिक हैं। किसके? इस शरीर के, सृष्टि के, देवी देवताओं के, सबके मालिक अन्य समझो वही हैं। तो आप इस बात को समझो प्रेमियों, जो जीवात्मा है अगर स्वर्ग में भी गई, वैकुंठ में भी गई, देवलोकों में रही, तो फिर इसको वापस आना पड़ेगा। लेकिन जहाँ से उतारी गई है, सतलोक से आई है, वहाँ अगर ये पहुँच जाएगी तो फिर जन्म मरण की पीड़ा नहीं होगी। तो वो रास्ता किसके अंदर है? आपके अंदर है। आप उस रास्ते से आप देवी देवताओं का दर्शन अंतर में कर सकते हो, जिनकी पूजा के लिए आप आदमी के बनाए हुए देवी और देवता मान्यता दिए हुए देवी और देवता जो पत्थर की मूर्ति के रूप में रहते हैं, फोटो के रूप में रहते हैं, इनकी करते हो, उनका दर्शन आप कर सकते हो, उनसे आप दो बात कर सकते हो और अपने वतन अपने घर भी पहुंच सकते हो। आप समझो उस मालिक को पा सकते हो जिसने ये सब कुछ बनाया है। तो अब आप सोचो बच्चों और बच्चियों कि दुनिया बनाने वाला अगर आपको मिल जाए तो दुनिया की चीजों के लिए भटकना पड़ेगा? कभी नहीं। तो अभी कहा जाए कि भगवान से आपको मिलवा दिया जाएगा तो खुश हो जाओगे। कहा जाए भगवान आपको मिल जाएंगे, कहोगे मिलवा दो तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ कहोगे एक ही बार दर्शन करा दो, कुछ कहोगे कि हम नहीं, हमको भगवान के पास पहुँचा दो, भगवान को हमारे पास बुला दो। तरह तरह की आप इच्छा, तरह तरह का तरीका से आप कहोगे। लेकिन कह दिया जाए कि भगवान आपके पास रहेंगे 24 घंटे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे, तो कहोगे भूखे तो नहीं रह पाएंगे, भगवान से ही कह दो हमारा पेट भर दें। कह दिया जाए रोगी हो जाओगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन भगवान पंखा जलेंगे, सेवा करेंगे, कहोगे नहीं भगवान से ही कह दो हमको पहले स्वस्थ कर दें, फिर हम भगवान की सेवा करेंगे। कह दिया जाए, निंदा कर दिया जाएगा, अपमान हो जाएगा, समाज में आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, अपमान इतना कर दिया जाएगा, लेकिन भगवान साथ रहेंगे, कहोगे नहीं। इज्जत के लिए ही तो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, इज्जत के लिए ही अच्छा घर बनाते हैं, इज्जत के लिए गाड़ी पर बैठ करके खरीद करके जाते हैं गाड़ी, कि करेंगे तो लोग सलाम प्रणाम करेंगे कि गाड़ी घोड़ा वाले हैं, पैसे वाले हैं, इसीलिए तो कमाई करते हैं, तो हम अपमान नहीं चाहते, कहोगे। अब आप ये समझो कि यह भी होना जरूरी है। कह दिया जाए कि आँख बंद करो और ध्यान लगाओ, भगवान तुमको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन भगवान का यह रूप है, इसी रूप को देखो, तो आप उस रूप को 10 मिनट तक नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मन आपका वहाँ रुकेगा नहीं। आप हमको मन लगा के ही तो देख रहे हो, हम आपको मन लगा के देख रहे हैं, आप मन लगा के मेरी बातों को सुन रहे हो, तब आपके समझ में आ रहा है, तो मन तो ये रुकेगा नहीं, उस समय कहाँ चला जाएगा? खाने की तरफ, घूमने की तरफ, भोजन बनाने की तरफ, सब्जी खरीदने की तरफ, दुकान पर, दफ्तर में ये मन चला जाएगा, क्योंकि ये समस्याएं हैं लोगों के सामने। दवा लाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, सर सामान की जो दिक्कत है उसकी आपूर्ति करनी, ये सब समस्याएं। तो ये समस्याएं यानी जब तक खत्म नहीं होंगी या कम नहीं होंगी, तब तक भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा, याद कर नहीं पाएंगे तो मिलेंगे नहीं। तो इन समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत है, तो उसका तौर और तरीका है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि बहुत कुछ तो घर से
शिक्षा मिल जाती थी, फिर उसके बाद जो बचती थी समाज से मिलती थी आप फिर समझो, और फिर उसके बाद में लोग सत्संगों में जाते थे, सुनते थे, इच्छा पैदा होती थी कि अब हम भगवान की प्राप्ति करें, दर्शन करें, तो गुरु को, सदगुरु को खोजते थे। तो आप ये समझो कि गुरु का काम तो ये घर वाले भी करते हैं, जो रास्ता बताता है, सिखाता है, वही काम वो भी करते हैं। आप ये समझो कि जो यानी दोस्त होते हैं वो भी सिखाते हैं, जो समझो रिश्तेदार होते हैं वो भी कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं, जो काका गागा ABCD पढ़ाते हैं मास्टर जी लोग, वो भी तो कुछ सिखाते हैं। यानी समझो कि यह समाज यानी एक तरह से जो जिससे जहाँ से सीखा जाता है यानी समझो वो उसका गुरु माना जाता है, लेकिन ये गुरु अलग होते हैं। ये क्या दिला सकते हैं, क्या ज्ञान दे सकते हैं, जैसे आपको हुनर सिखा दिया, बढ़ई का काम, लोहार का काम, आप खड़ी बनाने का काम, रेडियो बनाने का काम, गाड़ी घोड़ा बनाने का काम, ये जो सिखा देते हैं, बिजली का काम सिखा देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको धन बढ़ जाएगा आपका, आपकी अकल बुद्धि बढ़ जाएगी, पढ़ाई कर लोगे, MA कर लोगे, PhD कर लोगे, लेकिन वो रास्ता आपको नहीं मिल पाएगा कि जहाँ आपको जीवात्मा को पहुँचाना है, जहाँ पहुँचाने से जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा मिल जाना है। तो वो ज्ञान कौन कराता है, वो ज्ञान कराते हैं सदगुरु, हमेशा रहते हैं इस धरती पर, वो ज्ञान वो कराते हैं, लोक बनाने का भी तरीका बताते हैं, पर लोक बनाने का भी तरीका बताते हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज, ये नहीं जिनकी ये फोटो है, महापुरुष चले जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और जब वो चले जाते हैं उनके इतिहास को लोग पढ़ते हैं तो मूर्तियाँ बना देते हैं, जब कैमरा चला तो फोटो खींच कर लगाने लग गए। अब लोगों की यही सोच हो गई, उनको इसी तरह की शिक्षा मिली कि मूर्ति की पूजा कर लो, फोटो की पूजा कर लो, मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे मुक्ति मोक्ष इतना आसान नहीं है, मुक्ति मोक्ष का तरीका अलग है, उपाय अलग है। तो फोटो और ये मूर्तियाँ तो कभी मुक्ति मोक्ष और शांति दे ही नहीं सकती हैं, वो तो उतनी देर की जो भावना आदमी की होती है धार्मिक भावना उसका फल मिल जाता है, लेकिन तकलीफें नहीं जाती हैं लोगों की। क्यों? क्योंकि कर्मों की जानकारी नहीं हो पाती है कैसा कर्म करना चाहिए, तो जब बुरा कर्म बन जाता है शरीर से तो उसको भोगना ही पड़ता है, यहाँ रहो तो यहाँ भोगो। जैसे कहते हो कि चोरी करना पाप है, चोरी करना बुरा कर्म है, व्यभिचार करना बुरा कर्म है, और वो कर डालते हो तो मौत पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, यहाँ सजा मिलती है, उसके बाद भी सजा मिलती है नरकों में, जैसा मैंने बताया। तो कर्मों से कोई बच नहीं पाया आज तक, और कर्म आदमी के सही होते नहीं हैं, तो जब कर्म नहीं सही होते हैं तो अब आप ये समझो कि लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए कहा गया कि मौजूदा गुरु की जरूरत होती है, मौजूदा गुरु जब रहते हैं तब वो हर तरह का ज्ञान कराते रहते हैं, जानकारी कराते रहते हैं। मौजूदा वैद्य की जरूरत होती है, मौजूदा जो डॉक्टर होता है उससे इलाज कराया जा सकता है, ठीक हुआ जा सकता है। मौजूदा जो शिक्षक होता है उससे शिक्षा लेकर के यानी समझो कि डिग्री डिप्लोमा लिया जा सकता है, ज्ञान लिया जा सकता है। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज का यह है फोटो, फोटो क्यों लगाया जाता है आप यह भी कहोगे, यादगार के लिए, क्योंकि गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा है। सबसे पहले देखो जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने गुरु को याद किया, गुरु को प्रणाम किया, गुरु ही सब कुछ होते हैं, कहा गुरु ही दिखाते हैं उसको, किसको बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो दिखाए, यानी गुरु गोविंद हो खड़े प्रभु भगवान जिनको कहा गया, गुरु खड़े हो तो किसका पैर पकड़ना चाहिए, गुरु का, क्योंकि इन्होंने उनको दर्शाया दिखाया है। तो गुरु की पूजा हमेशा हुई, इसलिए आप समझो कि गुरु जब भूल जाते हैं ध्यान करने के लिए, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, गुरु का ध्यान करना ही पड़ता है, तो जब वो भूल जाते हैं तो उस यादगार के लिए फोटो लगा लेते हैं कि गुरु को देखेंगे तो याद आ जाएंगे, उनका चेहरा याद आ जाएगा तो ध्यान लगाएंगे। जब साधना की जाती है और अंतर में गुरु का दर्शन जब मिलने लगता है, सूक्ष्म शरीर में उनका दर्शन जब मिलने लगता है, तो फोटो लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब सब लोग ऐसे होते नहीं हैं, इसलिए लगा लिया जाता है, लगा लिया जाता है घर में।
तो इनका ये फोटो है, यानी वो हमारे गुरु महाराज रास्ता बताए बहुत लोगों को। आप इसमें कुछ लोग ऐसे बैठे भी हो जो गुरु महाराज के दया का अनुभव भी किया, कितनों की गरीबी दूर हुई, कितनों की परेशानियां दूर हुई, कितनों को सुख और शांति का अनुभव मिला, और कितनों ने नामदान ले करके साधना किया, अंदर की भी दया उनको मिली, अंदर में भी अनुभूति हुई, अंदर की भी दौलत मिली जो बाहरी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है। तो अनुभव बहुत से लोगों ने किया। गुरु महाराज ने रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब आप ये समझो कि ये हमारे गुरु महाराज, इन्होंने रास्ता बताया। लेकिन यह सत्य है कि शरीर सबको छोड़ना पड़ता है, गुरु महाराज भी शरीर छोड़ करके चले गए। लेकिन जाने से पहले मेरे लिए हुक्म देकर गए थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। तो बराबर उस काम में मैं लगा हुआ, संभाल वाली बात तो बराबर कहता रहता हूँ। खाने पीने का यानी परहेज, आहार विहार व्यवहार जिसको कहते हैं, उसका परहेज ये बताता रहता हूँ। इसके साथ ही साथ भजन में कैसे तरक्की हो, किस तरह का आचरण रखा जाए, किस तरह व्यवहार किया जाए, ये सारी बातें बताई जाती हैं। अब यह है कि जो पुराने लोग आप बैठे हो, आप भूल और भ्रम में क्यों पड़ जाते हो? इसलिए कि आप गुरु को भूल जाते हो। गुरु को आप मनुष्य समझते रहे, मनुष्य समझते रहे, उनसे मिलते रहे, उनसे सुनते रहे, अपनी तकलीफ कहते रहे और तकलीफ का निदान वो बताते रहे, आपकी तकलीफें दूर होती रहीं, तो आप उतना तक ही उनको समझ पाए। लेकिन जो उन्होंने रास्ता बताया सुमिरन करने का, ध्यान करने का, भजन करने का, उसको अगर आप अपना लो, अब भी अपना लो, अपना लेते तो पहचान हो जाती, लेकिन अब भी अपना लो तो आपको पहचान हो जाएगी। फिर आप भटकोगे नहीं, भरमोगे नहीं, कहीं भी आपको जाने जरूरत ही नहीं। फिर तो यही घट भीतर साफ समुन्द्र, यही मुमलमल ना हो, मनमोरा भी रसवा न जाओ, घर ही है क्या करी। आप देखो कहा कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जान सकर सो जाना। आप इसी में देखने लग जाओगे, इसी घट में दर्शन होने लग जाएगा। उसका जो सिंहासन आप गंदा कर लेते हो, बुरे कर्मों को जानकारी न जानकारी में इकट्ठा कर लेते हो और वो गंदा हो जाता है, जब वो साफ रहेगा तो बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। चश्मे के ऊपर अगर धूल लग जाए तो दिखाई पड़ेगा, कुछ धुंधला दिखेगा, और एकदम से अगर ये रंग काला हो जाए तो काला ही दिखेगा। तो समझो कि अगर सफाई रहेगी तो फिर आपके अंदर कोई भी भ्रम भूल होगा ही नहीं। और गुरु को जब समझ जाओगे तो गुरु के वचनों को पकड़ लोगे और गुरु के आदेश का फिर पालन करना ही गुरु भक्ति मान लोगे। तो गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपाय, और बिन गुरु भक्ति मोह जब कभी न छूट हो जाए। तो ये सब जो आपको काम क्रोध लोभ मोह ये सता रहा है, ये ढीला इसीलिए नहीं पड़ता है कि आप गुरु भक्ति नहीं कर पाते हो, गुरु को समझ नहीं पाते हो। तो गुरु को समझने की करो कोशिश। मोटी बात आप ये समझो कि जिनको नामदान आपको मिल गया, आप सुमिरन ध्यान भजन रोज करो। गुरु महाराज का ध्यान लगा करके जो उन्होंने जैसा बताया वैसा करो। खाली बाबा जय गुरुदेव जो लोग उनको कहने लगे, या जय गुरुदेव बोलने से ही आपका काम नहीं होगा। जय गुरुदेव बोलने से सफाई तो होगी आपके कर्मों की, लेकिन जैसे लोहे के ऊपर अगर गंदगी हो, मोर्चा लगा हुआ हो, जंग लगा हुआ हो, तो वो कितना भी पारस पत्थर से छुआ हो सोना नहीं बन सकता है। इसलिए सफाई तो जरूरी होती है। तो जय गुरुदेव नाम से सफाई तो होगी, लेकिन सोना तो तभी बनेगा। यह परमात्मा रूप ये जीवात्मा तभी होगी कि जब आप समझो मन तू भजो गुरु का नाम, गुरु के द्वारा दिया गया नाम जब भजोगे। भजोगे का मतलब भगोगे, किधर से? दुनिया की तरफ से। आप उसको याद करोगे तब अनु समझो कि वो गुरु मिलेंगे। शब्द रूपी नाम है ये, और गुरु भी शब्द रूपी हैं, तो वो आपको मिलेंगे। वो आपकी हर तरह से मदद करेंगे, यहाँ भी मदद करेंगे, वहाँ भी मदद करेंगे। सदगुरु जो होते हैं दोनों जगह मदद करते हैं, यहाँ भी मदद करते हैं, लोक बनाने में, परलोक बनाने में मदद करते हैं। क्योंकि अंदर साधना में भी बड़ी दिक्कत आती है, कदम कदम पर बाधाएं आती हैं।
और जब गुरु याद रहते हैं, कहते गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कह कबीर तादास का तीन लोग बनाए। अगर गुरु सामने रहते हैं और हमेशा याद रहते हैं तो हाजिर हो जाते हैं, गुरु हाजिर हो जाते हैं। कोई पावरफुल आदमी जब सामने आ जाता है तो छोटे का कुछ चलता है? अभी दरोगा जी आ जाए तो चोर भगेंगे कि नहीं भगेंगे? ऐसे ही है, गुरु जब सामने आ जाते हैं तो ये जितने चोर छिछोर रोक टोक वाले सब आ जाते हैं। तो आप ये समझो कि जीवात्मा निकलती ऊपर चली जाती है। इंदुमती रानी थी, कबीर साहब की शिष्या थी। जब साधना किया तो देखा कबीर साहब को सचखंड में बैठे हुए। अरे कहा, हमारे गुरु इतने पावरफुल। गुरु के जलवा को जब देखा नानक जी ने, तो देखा तो उछल पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, अरे हमारे गुरु। अब उनके मुंह से उस समय जो निकला उसी में ताकत आ गई। उस समय अब भी वाहे गुरु लोग कहते हैं। तो आप समझो, इंदुमती ने कहा उनसे कि आप हमको अगर मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा, तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी परमात्मा होता है, उसकी शक्ति होती है, इसलिए तुझको रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, तेरी मदद किया, फिर तुझको अल्लाह करके यहाँ जलवा दिखाया। बोल, तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरण पर गिर पड़ी। तो गुरु वहाँ के भी मददगार होते। गुरु महाराज ने बहुत लोगों को मदद किया और पहुंचा दिया। वह वापस मृत्युलोक में आने वाले नहीं हैं। तो जब उनका आदेश गुरु महाराज का हो गया तो दोनों काम करता हूँ, नामदान भी देता हूँ, सब जगह देता हूँ, उसमें बेईमानी नहीं करता हूँ कि आदमी कम हो, नहीं ऐसे बहुत गंदे हों कि उनको न दूँ, सबको नामदान देता हूँ। हालांकि बड़ा कठिन काम है ये गंदगी कर्मों की, ये धोना, गंदगी लेना देना, ये बहुत कठिन काम होता है। दुनिया में सबसे कठिन काम तो हमको यही लगा, लेकिन गुरु के आदेश का पालन ही गुरुभक्ति होती है। आदेश का पालन करना पड़ता है प्रेमियों, तो सब जगह नामदान देता हूँ। ऐसी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ जल्दी लोग जाते ही नहीं, पहाड़ों पर और दुर्गम रास्ते, आप समझो जहाँ यानी तापमान ज़्यादा रहता है, गर्मी रहती, सब जगह जाता हूँ। विदेशों में भी गया, 15-16 देशों में गया हूँ, सब जगह नामदान दिया। कमरे में बैठे रहते हैं, थोड़े ही लोग रहते, वहाँ भी दे देता हूँ। क्यों देता हूँ ये भी बता दूँ, इसलिए इस समय किसी के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। घर से आदमी निकला है, कोई गारंटी नहीं है कि ठीक ठाक पहुंच जाएगा घर अपने 2 घंटे के बाद। तो नामदान मिला रहेगा, आज नहीं भी समझ पाएगा, कल कोई समझा देगा तो करेगा, तो और करेगा तो उसको फल मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा उसको, रोग आपके अंदर कम हो जाए, रोग से आप मुक्ति आपको मिल जाए। और आप ये समझो कि यह लड़ाई झगड़ा घरों में बहुत हो रहा है, इससे निजात मिल जाए। ये कितना भी कहें कि हमारे घर में झगड़ा नहीं होता है, लेकिन हम तो उसको 16 आना 100% झूठ मानूंगा। कुछ घर तो ऐसे हैं कि जिनमें रोज झगड़ा होता है, कुछ घर तो ऐसे हैं कि जिनमें बीमारी बनी ही रहती है। और आप लोगों में से न बताओ, अगर कहा जाए ईमानदारी से बता दो, न बताओ तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है। सास बहू भले न लड़ाएं, बूढ़े भले न लड़ाएं, पति पत्नी भले न लड़ाएं, तो लड़के ही बाल गाल नोचते रहते हैं एक दूसरों का। अब आप ये समझो कि लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, छोटी छोटी बात पर हो जाती हैं। आप ये समझो जिसका कोई आधार नहीं होता है, तो तरीका उनको सीखने को नहीं मिला। तो अब मैं आज ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मोटी बात आपको बताऊँगा। मोटी बात ये, कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, आराम से हजम हो जाएगा। और पेट को खाली करके तब इसमें कुछ डालो, यानी लेट्रिन चले जाओ, पेट साफ हो जाए, उसके थोड़ी देर बाद जब ये दाहिने नाक का श्वास चले तब समझो अब अंदर से इच्छा तो होती है। शुगर का मरीज तो भूखे भूखा रहता है, लेकिन समझो अब अंदर डालना ठीक रहेगा, समझ लो ठीक से। और आप समझो जैसे मोटी बात एक लोग बता दें, पेशाब करना चाहिए भोजन के बाद, और थोड़ा चित लेट जाना चाहिए, फिर बाएं करवट, फिर दाहिने करवट, ये सब तो बहुत सारी बातें हैं। ना कुछ हो तो पेट के बल लेट जाए, कोई दबा दे 2 मिनट तो भी पचाव शुरू हो जाए। क्या खाना चाहिए ना खाना चाहिए, ये सारी बातें हुई, लेकिन मोटी बात समझो कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। गम खाओ, गम खाओ का मतलब बर्दाश्त कर लो,
तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये जो बुढ़े होते हैं, बुजुर्ग जिनको कहते हैं उम्र दराज, इनको बड़ी जानकारी होती है गृहस्थी की। नौजवान बैठना नहीं पसंद करते हैं, दांत गिर जाते हैं, बोली साफ नहीं निकलती है, सुन नहीं पाते हैं, जोर से बोलना पड़ता है, देख नहीं पाते ठीक से, पूछते कौन है भैया, भाई कौन हो तुम, तो कहते हैं कौन इनसे जाए वहाँ मगनमच्छी करने, ये तो बैठने नहीं पसंद करते। लेकिन जानकारी बहुत होती है। एक आदमी ने कहा कि अनी भाई साहब सीढ़ी दे दीजिए, आपके घर में है। तो कहा सीढ़ी, सीढ़ी देने की इच्छा नहीं थी उसकी, कहा सीढ़ी दे दीजिए। तो कहा कि सीढ़ी सीढ़ी नहीं है। तो कहा नहीं है आपके पास? अरे नहीं है। अरे सीढ़ी ले गया मांग करके वो। अरे कहाँ ले गया? कोई नहीं ले गया। अरे सीढ़ी बक्से में रखी है। तो कहा बक्से में कहीं सीढ़ी रखी जा सकती है? अरे काका दे दो दे दो। गुस्से में आया तो कहते कहते तो गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़ जाते हैं। तो ऐसे कहा काका आप तो तनी देर में डर जाते हो, हम किसी से नहीं डरते हैं। अरे डरते कैसे नहीं हो, बंदूक है उनसे डरते हो, तुम्हारे गांव में बंदूक है उनसे तो डर लगता है तुमको, उनसे नहीं बोल सकते हो। अरे उनके पास दो नली की बंदूक है, हमारे पास 10 नली की बंदूक है। काका 10 नली की बंदूक कैसी होती है? न देखा न सुना। अरे होती है, हमेशा साथ रखता हूँ, मौके पर इस्तेमाल करता हूँ। काका इस समय भी है? हाँ है, इस समय तो तुम खाली धोती पहने बैठे हो, तुम्हारे बदन पर कोई कपड़ा भी नहीं है, तो कहाँ रखे हो? अरे है। अरे काका बता दो काका। तब कहा अच्छा देखो, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली और 5 नली, 5 नली ये और 5 नली ये, 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे जिसको भी ये 10 नली मैं दिखा देता हूँ ऐसे, वही हमारे तरफ से झुका देता है और वही हमसे प्रेम से बात करने लगता है। तो हमारे पास 10 नली की बंदूक है, हम इससे जीत लेते हैं, हम आज तक किसी से हारे ही नहीं। तो कोई कितना भी अकड़ के चलता हो, उसको भी अगर आपको झुकाना है तो उसका पैर पकड़ लो, थोड़ी देर ऐसे पैर पकड़े रहो तो झुक करके उठाता है। देखो ये बड़ी बड़ी घास है, अभी जब गर्मी बढ़ेगी तो सब जल जाएंगे, लेकिन ये जो जमीन से चिपकी हुई घास है, धूप घास जिसको कहते हैं, कभी नहीं जलती है, गर्मी हो चाहे बरसात हो एक जैसी रहे। तो कहा नानक नन्हे हो रहो जैसे घास में धूप, और घास जल जाएंगे धूप खूब की खूब, तो छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लगे। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति संस्था व सरकार से कोई भी चंदा चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, आप सन्मुख मिलेंगे, रक्षा सा महाल दुख दर्द सब हारेंगे, यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले, यही वंदना है गोरो से बारंबार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश
फूले फाले।